रविंद्र भाटी ने पहली बार कब सोचा कि उसको पॉलिटिक्स में जाना है या सामाजिक क्षेत्र में जाना, सोशल लाइफ सोशल सर्विस करनी है? 2019 में जब मेरे तमाम भाइयों ने कहा कि चुनाव लड़ो, उससे पहले कोई पॉलिटिकल बैकग्राउंड नहीं, कुछ नहीं, कोई दोस्त यारी नहीं ज़्यादा? बिल्कुल कुछ भी नहीं। मेरे फादर टीचर हैं, मेरे दादाजी भी गवर्नमेंट सर्वेंट थे, और 19 में जब छात्र संघ चुनाव की बारी आई तो तमाम जो साथी थे उन्होंने कहा कि चुनाव लड़ो, जीत जाओगे अच्छे से। मैंने कहा ऐसा क्यों लगता था उनको? एक्टिव थे। 2013 में मैं यूनिवर्सिटी में मैंने एडमिशन लिया था, और तब से लेके 19 तक तमाम जितने भी इलेक्शंस होते थे हम एक्टिव रहते थे, आनंद आता था। चुनाव होते थे बड़े जोरों शोरों से, छात्र संघ का चुनाव है, वो भी वेस्टर्न राजस्थान की सबसे बड़ी यूनिवर्सिटी का चुनाव, तो अपने आप में एक बहुत बड़ा वो था। और दूर दराज क्षेत्र के जो भाई आते थे तो उनके लिए हमेशा खड़े रहते थे, उनकी भी एक भावनाएँ साथ में थी, तो वो तमाम लोग इकट्ठे होकर आए, उन्होंने कहा चुनाव लड़ो। मैंने कहा साहब चुनाव जितनी व्यवस्था इतनी बड़ी है नहीं, क्योंकि बड़े बड़े लोग चुनाव लड़ते हैं, बड़ी बड़ी पॉलिटिकल पार्टीज इन्वॉल्व होती है, बड़े बड़े चेहरे आगे आते हैं। पर फिर भी 36 कौम के जो मेरे तमाम युवा थे, जो साथी थे, उन सभी ने मोटिवेट किया और उन सभी ने चुनाव लड़ाया, जिसकी बदौलत, खैर वो अलग बात है कि टिकट नहीं मिल पाया। टिकट मारवाड़ी में कहे अगर टिकट में लेनी हो मारे थोड़ा कम रेड़ो है, कदे टिकट मिल को नहीं पायो, पर फिर भी 57 साल के इतिहास में पहली बार एक निर्दलीय पे भरोसा जताया, ये बहुत बड़ी चीज़ थी जी। आपका जो स्टाइल है ना, कभी आप टी शर्ट में दिखाई देते हैं, कभी शर्ट में, कभी लंबे कुर्ते में, कभी पठानी सूट में, तो ये स्टाइल स्टेटमेंट कहाँ से आता है? कोई फैशन डिजाइनर आपको सजेस्ट करता है? बिल्कुल भी नहीं, उस दौरों में कोई फैशन डिजाइनर नहीं है, जो भी मिल जाता है चल देते हैं। इन लोगों का प्यार है, हम तो किसी में भी ठीक हैं, इनको कोई फ़र्क नहीं पड़ता कि क्या पहन के आ रहा, बस हमारा है, हमारा अपना है, उनके लिए ये खूब है। अच्छा, स्ट्रेस डिस्ट्रेस करने के लिए आप क्या थोड़ा सा OTT देख लेते हैं, या तो फिर पिक्चर, या तो फिर रील्स? आजकल तो हम सब रील्स देख रहे हैं ना, नेटफ्लिक्स। नेटफ्लिक्स बिल्कुल। तो फेवरेट सीरीज कोई बता दीजिए। खूब सारी देख ली मैंने, कोई छोड़ी ही नहीं। अच्छा। जो पीछे रह गई है ऑलमोस्ट, हाँ। जब भी टाइम मिल पाता है, हाँ। तो देख ही लेते हैं। अच्छा, एक आध कोई फेवरेट जो आपको सच में अच्छी लगी? मनी हाइस्ट खूब चली। मनी हाइस्ट है ना, सीक्रेट गेम्स खूब चली है ना, और भी खूब सारी है। आपको अच्छी लगी ये दोनों? सब देखते हैं, कोई भी आ गया, जाहिर सी बात है इंग्लिश वाला थोड़ा सा कम पल्ले पड़ता है तो दूर हो जाता है, बाकी सारी उसमें हिंदी करने की सुविधा है, तो तमिल, हिंदी, पंजाबी, जो भाषा करना चाहो आप उसमें देख सकते हैं। पटपट में फील नहीं आता वो पढ़ने में, हिंदी वाली ठीक है हमारे। अच्छा, आपने ना कान में ये डायमंड का कुछ पहना हुआ है, राजस्थान में कुंडल का चलन है, तो आपने कुंडल की बजाय जब ये लूंग तो लूंग जब पहनी, तो घर में ये नहीं हुआ कि नहीं कुंडल ही पहनने आपको? नहीं, यही पहनाते हैं हमारे उस तरफ। अच्छा। उस क्षेत्र में लगभग आप कोई भी अगर आपको राजस्थान का या अच्छा, उस तरफ एक लूंग का चलन बिल्कुल, ये कोई भी अगर आपको राजस्थान का आदमी मिलेगा तो उसने लूंग पहन रखे होंगे, तो ये आइडेंटिटी है उस पूरे इलाके में। बिल्कुल, पूरे इलाके में ज़रूरी है, और बड़े शहरों में ये एक फैशन स्टेटमेंट है एक कान में पहनना। मुझे नहीं पता उनका, मुझे तो हमारे वाला पता है कि भैया दो कानों में पहना जाता है, और बड़े शहरों में बड़ी बातें होती है, हम छोटे ठीक है। अच्छा, आपने किस क्लास में साइकिल चलाना सीखी, और जब आप पहली बार सीख रहे थे तो क्या गिरे भी, चोट भी लगी? साइकिल 5th में। और तो किसकी साइकिल लेके भागे थे, क्योंकि हम तो किसी ना किसी की साइकिल लेके भागे थे, बचपन में ऐसे कोई साइकिल हाथ में देता नहीं। ऑन कैमरा नहीं कह सकता।